कैरेक्टर को लोगों ने काफी पसंद किया क्या कहना um, कुछ रंग प्यार के ऐसे में संजना को पसंद किया गया क्या yes, yes. <laughs> पसंद किया गया प्यार <laughs> प्यार प्यार हो hmm. प्यार तो प्यार होता है या yeah. um, शुरुआत में बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे थे जब प्रोमो आया था और जब मेरी एंट्री हुई थी क्योंकि um, निगेटिव नहीं था टूवर्ड्स दी एंड uh, मेरा नेगेटिव हो गया कैरेक्टर एंड आउट एंड आउट नेगेटिव हो गया बीच में कुछ बहुत बुरे बुरे मैसेज आ रहे थे कमेंट भी आ रहे थे बट अब मतलब जैसे लास्ट लास्ट डेज हैं शूट के तो मुझे इतने प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड पीपल uh, so so है, तो आर अप्रिशिएटिंग माय परफॉर्मेंस माय रोल मी बीइंग देयर इन द शो सो थैंक यू सो मच इट्स करने के लिए नर्वस um, तो मैं कोई भी शो करने से पहले नहीं होती हूँ नर्वस नहीं होती हूँ लेकिन मैं Uh, सोचती रहती हूँ बहुत सारा बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ कि मैं इसको कैसे करूँगी इसको डिफरेंट मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन मैंने इसमें डिफरेंट रखी है ऐसे टोन में मैंने किसी सीरियल में बात नहीं किया है ऐसे टोन में से मेरा मतलब है यू नो दैट हस कैन थोड़ा लो टोन में जैसे जो गाना गाते हैं उनको पता होगा एक खरज होता है एक यू you नो know, वो एकदम लो टोन होता है तो उसमें मैंने बात किया तो वो सब चीज़ों पे मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ लाइक थोड़ी एक्सरसाइजेस करती हूँ काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि ये आवाज़ आपकी है कि नहीं है इसमें बिकॉज मैं दूसरे शोज़ में थोड़ी सी हाई पिचड आवाज़ होती थी बट इसमें मैंने डिफरेंट आवाज़ मॉड्यूलेशन यूज़ किया है एंड यू नो द वे आई लोक क्या इसमें बहुत मैंने शायरियाँ बोली है तो शायरियाँ याद करनी पड़ती थी और वो भी मतलब बहुत अच्छी प्यारी प्यारी शायरियाँ होती थी सो या नर्वसनेस नहीं थी पर हाँ ये था कि मुझे एक्साइटमेंट थी एंड आई हैड टू रियली वर्क टूवर्ड्स इट जब आपको एक कैरेक्टर के बारे में आपको बताया था रिएक्शन रिएक्शन स्क्रिप्ट तो क्या था आपका कैरेक्टर कैरेक्टर को लेकर रिएक्शन सबसे पहले तो मुझे कुछ रंग प्यार के ऐसे कॉल आया था तो मुझे बड़ी खुशी थी क्योंकि मुझे उन्होंने कहा कि एक बहुत प्यारा सा रोल आ रहा है लव ट्रायंगल बन जाएगा शो और उसमें जो थर्ड एंगल है उसमें हम आपके लिए सोच रहे हैं तो मैंने कहा अमेजिंग मैं आना चाहूँगी इस शो में और शुरुआत में तो बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर था टूअर्ड्स दी एंड जैसे मैंने बताया अभी अभी कि वो उसके रीज़न्स होते हैं कुछ जहाँ पे वो थोड़ी सी अपसेस्ड हो जाती है देव से प्लस जब उसे ये पता चलता है कि सुहाना जो देव और सोनाक्षी की बेटी है वो उसकी सगी भांजी है जो एक्सचेंज हो गई थी एट बर्थ तो उसे वो भी चाहिए बिकॉज शी डजन अ फैमिली शी इज़ लोनली और ये कैरेक्टर आउट एंड आउट नेगेटिव होने के बावजूद ये रियल भी था बिकॉज ऐसा नहीं है कि ऐसे कैरेक्टर्स हमने नहीं देखे हुए हैं मतलब uh, तो हमने नहीं देखे होंगे बट हमने सुना तो है कहीं कही ना कहीं कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं सो या इट वॉज़ डिफ़िकल्ट इट वॉज चैलेंजिंग टू प्ले संजना एंड बहुत लोग सोचते होंगे कि यार ये कैसा रोल ले लिया मतलब मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे इसलिए कह रही हूँ बट यू नो एज एन एक्टर इतने साल और इतने शोज करने के बाद आई थिंक एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है ना आपने कहा आपको मैसेज आ रहे थे उस मैसेज को मतलब जब नेगेटिव लोग आपको ओ, कर रहे थे तो आर यू नो मतलब काफी गलत लग रहा था आपको मतलब आप में मायूस हो जाते थे मायूस तो नहीं होती थी, थी मैं नेगेटिव कमेंट्स देख के लेकिन कभी कभी मुझे ताज्जुब ज़रूर होता था, था लाइक मैं बहुत हैरान हो जाती थी कि रियल और रील में लोग तो um, मेरे कुछ शोज़ हैं जिसमें मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है क्रू के साथ एक्टर्स के साथ जिनके साथ आज भी मैं टच में हूँ पर इस शो में मतलब मान लो तीन महीने में ऐसी बॉन्डिंग हो गई है जो साल साल भर दे साल वाला जो हम शो करते हैं उसमें जैसी बॉन्डिंग हो जाती है ना वो तीन महीने में हो गई है डायरेक्टर क्रिएटिवस मतलब हमारी पूरी टीम इट्स अमेजिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर काम करके एंड नॉट दैट कि इस प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ मैंने बियड ड्रीम्स के साथ मिलियन डॉलर गर्ल किया था चैनल वी पे जो एक टीन एज शो था तो मैं इनके साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ एंड uh, बहुत अमेजिंग बहुत फैमिली वाला फील है Children, वो तो आप हाँ मुझे बच्चे तो वैसे भी बहुत पसंद है चाहे मैंने भूतू किया हो जिसमें मैंने भूतू के साथ पूरा सीरियल किया था और मुझे लगता है मेरे ज़्यादातर शोज़ में बच्चे रहे ही हैं और इसमें भी तीन बच्चे जो सोनाक्षी और देव के होते हैं ऑल दो मैं इस वो मैं कुछ लोगों को परेशान कर रही हूँ बट बच्चों के साथ ऑफ स्क्रीन मतलब यू नो लाइक वो हमेशा आते हैं मेरे मेरे रूम में मेरे मेकअप रूम में हम बाहर कॉरिडोर में वो रील्स बनाने को कहते हो तो हमने रील्स बनाए हुए हैं मस्ती करते हैं बात करते हैं सो देर वेरी क्यूट एंड बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं तीनों तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके और आजकल एक्टर की जो लाइफ में सोशल मीडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है रील्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट आप कितना बनाती है क्या कितना समय देती है रील्स बनाने के लिए आप गॉड रील्स एंड मी बहुत कम मतलब मैं रील्स नहीं बनाती हूँ मुझे बहुत लोग आगे कहते हैं सना सारे एक्टर्स बनाते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप रेलिवेंट रहते हो आप दिखते हो तो बनाओ मुझे पता नहीं मेरे अंदर वो एक जज्बा ही नहीं जागता कि मैं रील बनाऊँ मैं दूसरों के देख लेती हूँ कभी कभी बट um, मैं बहुत से बहुत uh, जो मेरे uh, मेरे जो असिस्टेंट जो मुझे हेल्प करते हैं शूट पर वो मुझे बोलते हैं कि आप सिर्फ पास कीजिए आप स्क्रिप्ट लेके जा रहे हो पढ़ रहे हो आप सिर्फ जाइए मैं आपका शूट कर लेता हूँ उस पर गाना डाल देंगे मैं कहा ऐसा रील में बना सकती हूँ पर एक्टिंग करके पूरा ये वो अभी थोड़ा सा पता नहीं मुझसे होता नहीं है पर मैं कोशिश ज़रूर करूंगी कि मैं करूँ बिकॉज uh, लेकिन मूड होगा तब करूँगी और जब अंदर से एक uh, रियल वाली uh, आवाज़ जागेगी ना कि करना चाहिए तब करूँगी नॉट फॉर द हैक ऑफ इट दैट जस्ट एवरीबडी इज़ डूइंग तो मैं कर कर रही ओके सोशल मीडिया की हमने बात ली आने वाले दिनों में हम आपको कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी शो एंड होने वाला है है तो 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 क्या क्या प्लानिंग जाने वाली छुट्टी तो छुट्टी तो तो दो साल की अच्छी खासी सबकी हो गई थी 2020 में और 2021 की शुरुआत में छुट्टी तो पता नहीं बट छोटा सा ब्रेक में जरूर ले सकती हूँ बिकॉज आई थिंक एक वीकेंड वाला ब्रेक तो ले सकते प्लस मेरी मम्मी का बर्थडे आने वाला है तो शायद में हम कहीं बाहर जाएंगे बट आ, मुझे अभी जैसे शो ऑफेयर होने की बात हुई है तो मुझे दो जगह से तो कॉल्स आए हैं जो काफ़ी बड़े हिट शोज़ हैं उस पर मुझे वैसे ही इस समय रोल आया हुआ है तो मैंने वो मना कर दिया क्योंकि मुझे बैक टू बैक ऐसे रोल नहीं करना है तो और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव से रिफ्रेन करो आपका फेस थोड़ा मासूम है तो पॉजिटिव <laughs> करो होपफुली मुझे कोई अच्छा पॉजिटिव रोल आएगा तो मैं ज़रूर करूँगी एंड नेगेटिव मैं मना नहीं करती लेकिन नेवर से नेवर यू नेवर नो इन दिनों कई सारे एक्टर सॉन्ग कर रहे हैं तो सॉन्ग का जमाना चल रहा है तो आप कैसे देखते हैं सॉन्ग को अमेजिंग आई मीन यू नो हम लोगों को टेलीविजन एक्टर्स uh, सिर्फ टीवी से सीमित हो जाते हैं हमेशा यू नो लाइक एवरी डे डे नाइट काम 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 ये जो म्यूजिक वीडियोज़ का एक लहर चली है ना आई थिंक इट्स ऑसम एक तो गाने इतने अच्छे-अच्छे बन रहे हैं आजकल और छोटे से चार पाँच मिनट की वीडियो में एक प्यारी सी लव स्टोरी देखते हैं हम या हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी देखते हैं वट उसमें पूरी कहानी दर्शा दी जाती है तो आई थिंक इट्स ऑसम कि टेलीविजन एक्टर्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है मैंने भी एक राहुल वैद्य के साथ एक वीडियो किया जायज़ uh, जो आई थिंक टेन मिलियन क्रॉस हो गए उसके एंड देन इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग इंटरफेथ मैरिज होता है एंड यू नो इट्स अ लवली लवली स्टोरी अगर जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए और एक एक इंडियन आइडल के सिंगर हैं अंकुश भारद्वाज उनके साथ मैंने एक कॉलेज कॉलेज सॉन्ग किया हुआ है जो हमने चंडीगढ़ में जाके शूट किया था यूनिवर्सिटी में रिया सो लेट्स सी अगर कुछ और म्यूज़िक वीडियोज़ आएँगे तो मैं ज़रूर करूँगी ओके okay. इसके